हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है आज के इस सत्र में। 18वां अध्याय आज हम करेंगे 23वें श्लोक से, लेकिन उससे पहले हम पिछले सत्र का थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। पिछले सत्र में हमने देखा कि भगवान बता रहे हैं कि कर्म फलों में कर्म करने के 5 कारण होते हैं, और उन 5 कारण में व्यक्ति भगवान को भूल जाता है तो ऐसा कार्य तमोगुणी कार्य कहलाता है, और सिर्फ अपने आप को कार्य का कारण मानता है कार्य का, तो ऐसा व्यक्ति तमोगुणी है। दूसरा, भगवान ने बताया कि यज्ञ, ज्ञान, कर्ता और कर्म, ये 3-3 प्रकार के होते हैं। तो हमने पिछले सत्य में देखा कि ज्ञान जो है, 3 प्रकार का ज्ञान जो है वो सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी ज्ञान देखा हमने। और अब हम अभी देखने जा रहे हैं कि कर्म और कर्ता और धैर्य और बुद्धि, ये भी 3-3 प्रकार के होते हैं, जो सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी हैं। अभी आप सबके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भगवान ने हर एक वस्तु को सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये 3 गुणों में कैसे बांटा है। मतलब भगवान सब बोल देते, बुद्धि सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी है, ज्ञान तमोगुणी है, ये सब एक साथ बता सकते थे और तीनों को डिवाइड करके खत्म कर सकते थे चैप्टर, लेकिन भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया। वो इसलिए भगवान ने नहीं किया क्योंकि हर वस्तु को अलग अलग बताया और उसको समझने के लिए हमें आसानी हो इसलिए बताया। क्योंकि अगर हमारा मन यानी हमारा ज्ञान सतोगुण में है परंतु हमारी बुद्धि रजोगुण या तमोगुण में है तो हम शुद्ध सत्वगुण तक नहीं पहुंच सकते। शुद्ध विशुद्ध सत्वगुण क्या है? विशुद्ध सत्वगुण है कि हमारा ज्ञान, हमारा कर्म, हम जो करता है, हमारी बुद्धि है, हमारा धैर्य है ना, ये सब कुछ जो है, ये सब कुछ जो हम एक साथ मिलके जब सब कुछ सत्वगुण में आता है तभी जाके वो क्या बनता है, विशुद्ध सत्वगुण, ठीक है, और वो होता है 3 गुणों से ऊपर। परंतु हमें अगर पूरे संसार को देखना है तो इन 3 गुणों में देखेंगे और इस चैप्टर को समझेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली में संसार कैसे चल रहा है, ठीक है। तो आज भगवान बात करेंगे ज्ञान की, 3 प्रकार के ज्ञान की। आइए हम 18वें अध्याय का 23वां श्लोक पढ़ेंगे। नियतम संगरहितम राग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सु कर्म यतात्सा विमुक्तये सात्विकतमु मुक्तये। यानी भगवान बता रहे हैं कि जो कर्म नियमित है और आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह कर्म क्या कहलाता है, वह सात्विक कहलाता है। अभी भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भी कार्य सात्विक, यानी हर कार्य जो भी शास्त्रों के आदेशों के हिसाब से किया जाए ऐसा कार्य, ऐसी भक्ति सात्विक भक्ति है, ठीक है। अगर हम अपने हिसाब से करेंगे तो क्या होगा, वो रजोगुणी अर्थात तमोगुणी हो जाएगी। और दूसरा है कि भगवान ने क्या बताया कि नियत करता है, नियत यानी नियमित रूप से अपना कार्य करता है, कैसे करता है कि कर्म के नियमित है और जो आसक्ति से, यानी कर्म के नियमित मतलब कि जो ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र है वो अपने कर्म के नियम गुण और कर्म के नियमित रह के ही कार्य करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो कार्य करता है ऐसा व्यक्ति सत्वगुण है, सत्वगुण में रह के कार्य कर सकता है जो शास्त्रों को फॉलो करता है। आसक्ति राग द्वेष से के बिना कार्य करना, मतलब शास्त्रों में बताया गया है कि आसक्ति राग द्वेष बिना कार्य करना है तभी हम हमारे जीवन को सफल बना सकते हैं। फिर कर्म शास्त्रों के हिसाब से नहीं किया जाता है तो ऐसे कार्य को क्या कहते हैं हम लोग, विकर्म कहा जाता है, पाप कर्म कहा जाता है। इसीलिए तो भगवान ने 4थे अध्याय में अकर्म, विकर्म, कर्म, सकाम कर्म के बारे में बताया, ठीक है। अभी शास्त्रों के नियमों में क्या होता है, कभी भी राग द्वेष आसक्ति कभी नहीं होती है। अगर हम नियमों को पालन करने में फंस जाएंगे और नियमों से आसक्त हो जाएंगे तो हमारा जो कार्य है वो सत्वगुण कार्य नहीं होगा। अगर हम नियमों में फंस के नहीं कार्य करेंगे, यानी नियमों से भी आसक्त नहीं होना है, नियमित करना है पर जो नियम है उनसे आसक्त नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी नियम तोड़ना पड़ता है तो वो हमें पता होना चाहिए कब नियम तोड़ना है। तो हमें जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु माधव संप्रदाय में गए और उनको बोला कि तुम्ही तत्वावादी, यानी तुम सिर्फ नियमों को जानते हो लेकिन भगवान की सेवा भूल गए हो। यानी नियम के साथ साथ हमें क्या करना है, भगवान की सेवा करनी है, भक्ति करनी है। हम क्या कर रहे हैं, नियमों में तो आगे चलते हैं लेकिन क्या होता है कि हम भक्ति नहीं कर पाते, भगवान की सेवा नहीं कर पाते, यानी अधिकार की भावना से रहित होकर। एक और इसमें आता है श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे, 3 लाइन का पढ़ेंगे। विभिन्न आश्रमों तथा समाज के वर्णों के आधार पर शास्त्रों के संस्तुत वृत्तिपूर्वक कर्म जो अनासक्त भाव से अथवा स्वामित्व के अधिकारों के बिना प्रेम घृणा भाव रहित परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आसक्ति या अधिकार की भावना के बिना कृष्ण भावना में किए जाते हैं, ऐसे कार्य कौन से हैं, सात्विक कहलाते हैं। देखिए
क्या बोला है, अनासक्त रहते और स्वामित्व को त्याग के। पहले तो बोला है कि कर्म जो शास्त्रों के हिसाब से कैसा है, आश्रम तथा समाज के कार्यों के शास्त्रों के हिसाब से जो कार्य किया जाए ऐसे कर्म जो है सात्विक किया है। और भगवान क्या बता रहे हैं कि ऐसे कार्य में भी अधिकार के बिना, यानी हमारा अधिकार नहीं करना, अधिकार मतलब हमें उससे अटैच नहीं होना है। जैसे कोई व्यक्ति टेम्पल का प्रेसिडेंट बन जाए, ठीक है, वो टेम्पल का प्रेसिडेंट बन गया, उसका उसका उसके ऊपर अधिकार नहीं है, भाई मैं ही टेम्पल का प्रेसिडेंट बन जाऊं और कुछ नहीं, नहीं, वो उसको अगर उस पोजीशन से हटाया जाए तो भी वो भगवान की सेवा में लगा रहेगा, ठीक है। तो मेरा अधिकार नहीं होना चाहिए, जैसे भगवान बोलते हैं ना कि तू मेरे लिए कार्य करते जा, कर्म है ना, कर्मण्य अधिकार से माँ फले सुखदाचन, यानी कर्म हमारा कार्य, कर्तव्य करना हमारा कार्य है, परंतु हमारा फल पे कोई अधिकार नहीं। तो अधिकार की भावना के बिना हमें कार्य करना है। फिर रजोगुणी कार्य भगवान बताते हैं, एक वैसा है कि लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा की पूर्ति के नियमित निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वो रजोगुणी कार्य है। अभी रजोगुणी कार्य में क्या है कि प्रयास का मतलब अधिक अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए, है ना। रजोगुणी में क्या होता है, हम लोग अधिक प्रयास करते हैं, हर किसी चीज को पाने के लिए अधिक प्रयास करते हैं, और ऐसे अधिक प्रयास में क्या करते हैं, हम अच्छी अपनी इच्छा पूरी करने के लिए प्रयास करते हैं, है ना। भगवान क्या बता रहे हैं इस श्लोक में, क्रियते बहुलायासम, यानी हम बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं, बहुत ज्यादा किसी भी वस्तु को पाने के लिए, किसी भी वस्तु को पाने के लिए, करने के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, भगवान के लिए प्रयास करना चाहिए, हमें हमारे लिए खुद के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, यानी अपनी लिमिट से ज्यादा कभी भी प्रयास करेंगे यानी मिथ्या है, वो मिथ्या है, हम मैं ये कर लूंगा ये मिथ्या है। क्या अहंकार क्या है एक्चुअली, मिथ्या अहंकार क्या है, अधिक प्रयास करना क्या है, हम किसी से कम्पीट करते हैं अपने आप को, हमें किसी से कम्पीट नहीं करना है, हमें हमें सेवा भी करनी है तो वो सतोगुण में करनी है, रजोगुण में नहीं करनी है। रजोगुण में हम अगर किसी के साथ कम्पीट करेंगे, सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे या मंदिर की सेवा करेंगे तो क्या होगा, ये मिथ्या अहंकार हो जाएगा, क्योंकि हम कम्पीट करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू कम्पीट, हमें कम्पीट नहीं करना है, ठीक है। तो अपनी इच्छा के लिए हम कार्य करते हैं कि मैं उससे आगे बढ़ जाऊं, ये करूं वो करूं, ऐसे कार्य क्या है, ऐसे कार्य रजोगुणी कार्य है। फिर भगवान बता रहे हैं कि तमोगुणी कार्य क्या है, कर्म क्या है, कि तमोगुणी क्या है कि जो कर्म मोह व शास्त्रीय आदर्शों की अवहेलना करके तथा भवी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्य को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है। अभी तामसी कार्य क्या है, जो शास्त्रों को नहीं मानता ऐसा व्यक्ति क्या है, तामसी कार्य करता है, ऐसा व्यक्ति तामसिक है, जो शास्त्रों को बिल्कुल नहीं मानता है। और एक्चुअली देखा जाए तो हम सब यही कर रहे हैं, शास्त्रों को मानते नहीं है, अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं, तो क्या है, ऐसा कार्य तामसिक है। सेवा में भी एक्चुअली देखा जाए तो भक्तों के लिए, भक्तों की परवाह नहीं करके और हम सिर्फ और सिर्फ है ना इसकी परवाह करें, क्या बोलें कि भगवान के सिर्फ खुश करने के प्रयास करें और भक्तों को वैष्णव को खुश ना करें, तो ऐसा प्रयास क्या हो जाता है, ऐसी ऐसा कार्य तमोगुणी कार्य है। तो हमें भगवान के साथ साथ क्या करना है, भक्तों को भी खुश करना है। मतलब सिंपली बताया जाए कि तमोगुण का मतलब यह है कि हम जब भी सेवा करते हैं या सेवा के क्या हम कोई भी नॉर्मल भौतिक कार्य भी करते हैं तो उससे में क्या होता है कि हमें पता नहीं आसपास में क्या चल रहा है, हमें कुछ भी नहीं पता होता आसपास में क्या चल रहा है, अभी मेरा क्या होगा, बिना प्लानिंग के कुछ भी किए बिना ऐसा कार्य करते हैं, उसको पता ही नहीं है क्या है, शास्त्र क्या कहते हैं, तो ऐसा कार्य क्या होता है, तमोगुणी है। फिर अभी हमने ज्ञान और कर्ता की बात कर ली, अभी भगवान बता ज्ञान और कार्य की बात कर ली, अभी भगवान बता रहे हैं कर्ता। अभी कर्ता भी तीन प्रकार के भगवान बताएंगे कि क्या है, तीन प्रकार के कर्ता, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी कर्ता। तो 26वें श्लोक में देखते हैं कि जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता है और सफलता तथा असफलता से अविचलित रहता है वह सात्विक कार्य करता है। मतलब कि जो व्यक्ति अपने परिणाम से उसको कुछ लेना देना नहीं है, क्यों, क्योंकि परिणाम तो उसको भगवान को देना है, भगवान को अर्पण करना है, ऐसा व्यक्ति सतोगुण संकल्प में है, है ना। और अभी भगवान यहाँ पे एक और चीज बता रहे हैं, मुक्त संगो नहम वादी द्वितीय उत्साह समन्वित, द्वितीय यानी धैर्य और उत्साह के साथ कार्य करता है। मतलब कोई भी कार्य करता है ना उसमें उसको धैर्य होता है, फ्रस्ट्रेट नहीं होता, वो जो भी कार्य करता है वो भगवान के लिए करता है। और हम क्या करते हैं कि जो भी कार्य करते हैं अपने लिए करते हैं तो उसमें क्या होता है, बाहर से भले हम धैर्य दिखा रहे हैं लेकिन हम अंदर से क्या होते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और धैर्य और उत्साह का सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद जब भी इस्कॉन की स्थापना कर रहे थे, करने वाले थे,
उससे पहले उन्होंने 30 साल वृंदावन में प्रीचिंग की, उनका एक ही शिष्य बना, वो भी उनको गाली गलौज देख के छोड़ के चला गया। क्या तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, फिर भी श्रील प्रभुपाद धैर्य और उत्साह के साथ क्या किया, भगवान की सेवा की प्रचार में लगे रहे। तो ये धैर्य और उत्साह का सबसे बड़ा एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद है ना। और मतलब सतोगुण में का जो सतोगुण में जो व्यक्ति रहता है ना, वो हमेशा उत्साह ही रहता है। इसीलिए उत्साह निश्चय धैर्य बोलते हैं ना, ठीक है। फिर आगे है 18.27 में भगवान क्या बोलते हैं, रजोगुणी कर्ता कौन है, जो कर्ता तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी सदैव ईर्ष्याली अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है वह राजसी कार्य कहलाता है। यानी हमने सात्विक कार्य देखा, उसके बाद ये क्या है, कर्ता जो रजोगुणी है वो उसका बिल्कुल उल्टा है। क्या है, रजोगुणी बिल्कुल शास्त्रों के उल्टा करता है, जो जो भी कार्य है जो भी करता है उसमें क्या फल की इच्छा रखता है, फिर क्या करता है, ईर्ष्यालु होता है, ठीक है, राग द्वेष से होता है, ऐसा व्यक्ति सुख दुख में विचलित रहता है, ठीक है। सतोगुण में क्या देखा, अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता है, सफलता असफलता में अविचलित रहता है। लेकिन रजोगुण में व्यक्ति क्या करता है, विचलित रहता है, ठीक है। अभी 28वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकवादी हठी कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु तथा जो आलसी सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। अभी दीर्घ सूत्री मतलब क्या है, दीर्घ सूत्री मतलब कल करूंगा, कल करूंगा, आज नहीं कल करूंगा, जो भी कार्य दीर्घ सूत्री यानी कल पे जो टालता है, ऐसा व्यक्ति तमोगुणी है, ठीक है। और वो अपने लिए भी कार्य नहीं करता, भगवान के लिए भी कार्य नहीं करता, बस उसको आसपास में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं होता, ऐसा व्यक्ति तमोगुणी है। अभी रजोगुणी और तमोगुणी में क्या फर्क है, हम देखा जाए तो ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, लेकिन रजोगुणी व्यक्ति क्या है, शास्त्रों को जानते हुए भी शास्त्रों के नियमों को तोड़ता है, वो ज्यादा डेंजरस है, ठीक है। तो वो इसमें आ गया रावण, हिरण्यकश्यप ऐसे हो गए। और जो जो तमोगुणी में व्यक्ति में क्या है, जैसे हम सेवा करते हैं, शुरू शुरू में आते हैं तो हम तमोगुण में होते हैं, तो भगवान की सेवा करते हैं तो हम तमोगुण में होते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है क्या है शास्त्रों में कहा। लेकिन नए भक्त जो नियोफाइट डिवोटीज, वो तमोगुण में कार्य करते हैं। जैसे बच्चा, छोटा बच्चा होता है वो हमेशा तमोगुण में रहता है, उसको पता नहीं ना आसपास में क्या चल रहा है, छोटा बच्चा तो वो हमेशा तमोगुण में रहता है। तो ऐसा मतलब हम जो व्यक्ति जो है तमोगुण में कार्य करता है, उसको कुछ पता नहीं होता कि आगे पीछे क्या चल रहा है, वो शास्त्रों को तो जानता ही नहीं, उसे पता ही नहीं शास्त्र नाम की कुछ चीज है ना, और शास्त्र को पता है शास्त्र है लेकिन उसको मानता नहीं है। रजोगुणी क्या करता है, शास्त्रों को मानता है लेकिन कार्य फिर अपने हिसाब से करता है, उसको अपने हिसाब से कार्य करता है। तमोगुण वाले को क्या लगता है, सब कुछ ठीक है, जो मैं कुछ कर रहा हूं वो सब ठीक है। जैसे ऑर्डिनरी हम भोगी लोग हैं, वो क्या करते हैं, जो भी कार्य करते हैं तमोगुण में कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। और भक्त का तमोगुण का एग्जाम्पल क्या बताया हमने, नए भक्त, क्योंकि उनको पता नहीं क्या कर रहे हैं, बस सेवा किए जा रहे हैं लेकिन सेवा कैसे की जानी चाहिए वो भी पता नहीं होता। तो सेवा जो की जाती है, सेवा जो है वो तीनों गुणों में नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, सेवा कर रहा है, वो तीनों गुणों से बंधा हुआ है। सेवा कभी तीन गुणों में नहीं बंधी रहती, ये हमेशा हमेशा हमें याद रखना चाहिए। तो हम देखते हैं इसमें क्या है कि भगवान क्या बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद इस श्लोक का तात्पर्य में क्या बता रहे हैं कि शास्त्रीय आदेशों से हमें पता चलता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए। जो लोग शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करके अकरणीय कार्य करते हैं वो प्रायः भौतिकवादी होते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, भौतिकवादी होते हैं, ठीक है। दो प्रकृति के वे प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य करते हैं, शास्त्रों के आदेशों के अनुसार नहीं करते, ठीक है। जो कार्य व्यक्ति शास्त्रों के आदेशों के अनुसार नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है, तमोगुण में रहता है, ठीक है। अभी भगवान बताएंगे बुद्धि और धैर्य तीन तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो बुद्धि भगवान क्या बता रहे हैं कि हे धनंजय, अब प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार मैं तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम मुझसे इसे सुनो। तो अभी बुद्धि क्या है, भगवान बता रहे हैं कि हे प्रतापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, और क्या बांधने वाला और क्या मुक्ति देने वाला है। अभी किससे डरना चाहिए और किससे डरना नहीं चाहिए भगवान ने क्यों बताया, हम क्यों डरें किसी से। एक्चुअली इसका अच्छा एग्जाम्पल है कि किससे डरना चाहिए किससे नहीं डरना चाहिए का, कि श्रील प्रभुपाद एक बार बोल रहे थे कि मुझे एक ही डर है कि मेरे जो शिष्य हैं वो माया से नहीं डरते,
यानी हमें एक्चुअली क्या करना चाहिए, माया से डरना चाहिए और प्रेम किससे करना चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए। हम जब माया से डरेंगे तो हमें डर रहेगा कि मैं मेरा कहीं फॉल डाउन ना हो जाए, तो हम और ज़्यादा उत्साह से सेवा करेंगे। परंतु जिस दिन हम माया से डरना बंद जाएंगे तो हमारा फॉल डाउन स्ट्रेट अवे उसी टाइम हो जाएगा। तो माया से हमें डरना चाहिए और किसी से नहीं डरना चाहिए, और भगवान से हमें क्या करना चाहिए, आसक्ति होना चाहिए, भगवान से प्रेम होना चाहिए। और हमें यह डर लगे, थोड़ा सा भी डर लगता है कि मुझे माया से डर लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, तो ये अच्छी बात है, तो हमें माया से थोड़ा बहुत डरना चाहिए। और मुक्ति देने वाला कौन है, मुक्ति देने वाला कौन है, भगवान श्री कृष्ण और भगवान का नाम, और क्योंकि वो अभिन्न है। और बांधने वाली कौन है, माया है, तो उसको क्या पता है कि उसे क्या बांधने वाला और क्या मुक्ति देने वाला है, इससे पता चलता है। तो शास्त्र को निर्देश अनुसार कर्म करने या उनके कर्मों को जिन्हें किया जाना चाहिए वो प्रवृत्ति कहते हैं, और जिन कार्यों का इस तरह निर्देश नहीं होता वे नहीं जानते किए नहीं जाने चाहिए। वो व्यक्ति शास्त्रों के निर्देशों को नहीं जानता, वह कर्मों तथा उनकी प्रतिक्रिया से बंध जाता है। देखिए, ऐसा व्यक्ति जो भगवान से आसक्ति नहीं रखता, जो भगवान के लिए कार्य नहीं करता, ऐसे व्यक्ति क्या करता है कि कार्यों में बंध जाता है, कर्म फलों में बंध जाता है। जो बुद्धि अच्छे बुरे में भेद बताती है वह सात्विक है ना, इंटेलिजेंस। अभी राजसिक बुद्धि है प्रतापित्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती वह राजसी है। भेद नहीं कर पाती मतलब क्या है, हमने तो अभी देखा रजोगुणी व्यक्ति को पता होता है कि वो क्या सही है क्या गलत, मतलब है ना, उसको शास्त्र पता होते हैं क्या सही है क्या गलत पता है, लेकिन उसमें भेद नहीं कर पाता है। भेद नहीं कर पाता मतलब वो कार्य गलती कर देगा लेकिन बाद में उसको अफसोस होगा, अरे मैंने ये क्या कर लिया, ठीक है, ऐसा व्यक्ति रजोगुणी व्यक्ति है। तो रजोगुणी व्यक्ति ज्यादा डेंजरस है, लेकिन फिर भी उनको मिडल कैटेगरी में इसके लिए रखा गया है, भगवान ने इसके लिए रखा, क्योंकि रजोगुणी व्यक्ति का स्कोप का जो है ना, जो उसका सुधरने का स्कोप है, लेकिन तमोगुणी व्यक्ति का सुधरने का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि वो शास्त्रों को जानता ही नहीं है, ठीक है। अभी 31वें श्लोक में भगवान ने बताया कि राजसी कौन है। अभी 32वें श्लोक में, जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है वह सदैव विपरीत दिशाओं में प्रयत्न करती है, हे पार्थ वह तामसी है। यानी जो व्यक्ति धर्म मतलब क्या करता है कि जो व्यक्ति बिल्कुल शास्त्रों के उल्टा चलता है, ऐसा व्यक्ति क्या है, तमोगुणी व्यक्ति है। वो ऐसा है कि ऐसे व्यक्ति की बुद्धि उल्टी बुद्धि है। कैसे, एक एग्जांपल है, जो व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा करता है, कृष्ण की पूजा नहीं करता, ऐसा व्यक्ति तमोगुणी व्यक्ति है। और जो व्यक्ति गृहस्थ व्यक्तियों की तमोगुणी बुद्धि का मतलब क्या है, कि वो बोलता है कि मैं ना अभी शादी करूंगा, मैं और मेरे बीवी बच्चे साथ में उठेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, दूर की प्लानिंग करता है, लेकिन अभी जो करंट में है वो करता नहीं है, है ना, वो अभी करंट के बारे में सोचता ही नहीं है, अभी मैं भगवान की भक्ति करूं वो तो सोचता ही नहीं है, वो दूर की प्लानिंग करता है, मैं शादी करूंगा, बच्चों के साथ रहूंगा, बच्ची मेरी बीवी मुझे 4 बजे उठाएगी, मंगला आरती करूंगा, सब कुछ करूंगा। तो ये इसकी बुद्धि क्या, तमोगुणी बुद्धि है, क्योंकि उसको पता ही नहीं मुझे अभी क्या करना है, है ना। और भी भगवान बताएंगे धैर्य 3 प्रकार का है कि हे प्रतापित्र, जो अटूट, जिसे योग्य अभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों को कार्यकलापों में वश में रखती है, वह धृति, वह धैर्य, सात्विक धैर्य। मतलब सात्विक धैर्य का मतलब क्या है, सात्विक धैर्य का मतलब है कि आराम से कार्य नहीं करना है, मतलब धैर्य मतलब मन इंद्रियां वश में हो, यानी शास्त्रों को पालन करेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, है ना, और भगवान का नाम जप करेंगे तो मन इंद्रियां वाणी सब कुछ वश में आ जाएगा, और इससे क्या होता है, धैर्य से उसका रिजल्ट आएगा। परंतु जगह आप रजोगुणी धैर्य होता है उससे रिजल्ट नहीं आता, उसका रिजल्ट है ना दूर हो जाएगा। सही धैर्य मतलब क्या है, उत्साह होना, गलत धैर्य मतलब अंदर से आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाना, ठीक है। और धैर्य धैर्य में, सही धैर्य में, सात्विक धैर्य में क्या होता है, आपका गंतव्य जितना दूर है उतना आपको उत्साह आएगा। जैसे आप नाम जप कर रहे हो, ठीक है, नाम अच्छा जप कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अभी आपको पता है मेरा गंतव्य दूर है, तो और उत्साहपूर्वक और ज्यादा जोर से नाम जप करेंगे, तो उससे क्या होगा, और आपका धैर्य बढ़ेगा और उत्साह बढ़ेगा, और भगवान को पाने की क्या, आपको प्रेम, भगवत प्रेम पाने की उत्साह बढ़ेगा। इसके लिए क्या होगा कि चैंटिंग में उत्साह आएगा। तो ये ऐसा धैर्य क्या है, सात्विक धैर्य। यानी सिंपली देखा जाए तो हम क्या कहते हैं कि जितनी भूख लगती है ना उतना ही हमें आनंद आता है ना, खाना खाते हैं,
तो जितनी ज्यादा अच्छी चैंटिंग करेंगे, जितना ज्यादा अच्छा सात्विक धैर्य होगा हमारा, उतना हम क्या करेंगे कि भगवान को पाने की इच्छा हमारी ज्यादा बढ़ती जाएगी, भगवान को प्रेम की करने की इच्छा बढ़ती जाएगी। ठीक है, अभी राजसी धैर्य के बारे में भगवान बताएंगे। पहले सात्विक धैर्य में हम क्या है कि इसका थोड़ा तात्पर्य पढ़ लेते हैं। योग परमात्मा को जानने का साधन है। देखिए आ गया ना, धैर्य क्या है? भगवान को जानने का साधन। जो व्यक्ति मन प्राण इंद्रियों को परमात्मा में एकाग्र करके दृढ़ता पूर्वक उनमें स्थित रहता है, वह कृष्ण भावना मार्ग में तत्पर रहता है। यानी चैंटिंग का एग्जांपल मैंने बताया आपको, ठीक है। ऐसी धृति सात्विक होती है। अभिचार्य शब्द का अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभिचार्य शब्द यानी किसी और की भक्ति नहीं करना, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। यानी अभिचारण यानी माम चवे अभिचारण भक्ति योग्य न सेवा ते सगुणान समतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। 14.26 भगवान बता रहे कि जो अभिचारण मेरी भक्ति करता है वो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है। अभिचारण भक्ति कैसी होती है? सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की भक्ति करनी और किसी की नहीं। अभिचारण भक्ति यानी एक वैश्या की तरह है ना, उसे भी भगवान मानना, उससे भी भगवान मानना, सबको भगवान मानना। लेकिन शास्त्रों के हिसाब से भगवान सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण है और भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करना, ठीक है, उसको बोलते हैं अभिचारण भक्ति। और अभिचारण शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि वह सूचित करता है कि कृष्ण भावनामृत में तत्पर मनुष्य किसी दूसरे कार्य द्वारा विचलित नहीं हो जाता, आया ना, किसी और देवी देवता में विचलित नहीं होता। लेकिन हे अर्जुन, जो अर्जित धृति मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त रहता है वह राजसी है। रजोगुणी धैर्य मतलब फलों में लिप्त रहना, काम में लिप्त रहना, ठीक है, और उससे आनंद और सुख में लिप्त रहना। यानी अभी देखो हम है ना, जब भी भगवान का नाम भी जप करते हैं ना, उसमें भी एक्चुअली रजोगुणी धैर्य आता है। कैसे? कि भगवान की सेवा करने में आनंद और खुशी तो मिलती है, लेकिन उस आनंद और खुशी में हमें क्या लिप्त नहीं रहना है, हमें आगे सेवा में एडवांस कैसे करूं वो देखना है। मुझे खुशी मिल गई, सेटिस्फाई हो जाए है ना, मैं उससे सेटिस्फाई रह जाऊं कि आनंद और खुशी, भगवान की सेवा में आनंद मिला, खुशी मिली, मैं उसमें सेटिस्फाई रह जाऊं, नहीं, हमें भगवान की सेवा आगे कैसे बढ़ानी है वो देखना है। आनंद और खुशी में लिप्त रह गए तो हम रजोगुणी सेवा हो गई, हमारी सेवा क्या है, तमोगुणी सेवा, हमारी सेवा सात्विक सेवा नहीं होती है। यानी जो व्यक्ति धार्मिक या आर्थिक कार्य में कर्म फलों में सदैव आकांक्षी होता है, जिसकी एकमात्र इच्छा क्या, इंद्रिय तृप्ति रहती है, क्योंकि खुशी मिलती है तो वो हमारी इंद्रिय तृप्ति है ना, मन को खुशी मिलती है तो मन छठी इंद्रिय है ना, तो उसमें हमें खुशी मिलती है, तो उस खुशी में क्या हो जाता है कि हम भगवान को भूल जाते हैं। जिसका मन जीव तंत्र जीव तथा इंद्रिया इस प्रकार संलग्न रहती है वह रजोगुणी होता है। अभी भगवान तामसी धैर्य बताएंगे और उसके बाद हम क्या, इसके बाद अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो पूछिएगा, ठीक है। ये एडीवी कपिल नारायण बिस्सा ने लिखा है, गीता लिखिए, फर्स्ट राइट गीता नॉट गोटा, भाई टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, ठीक है। अभी हे पार्थ, जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। अभी भय शोक यानी विषाद यानी स्वप्न क्या, स्वप्न क्या तामस, सतोगुणी व्यक्ति क्या स्वप्न नहीं देखता है क्या? सतोगुणी भी व्यक्ति स्वप्न देखता है, पर यहाँ पे स्वप्न का अर्थ क्या है बताया भगवान ने, निद्रा, निद्रा में रहता है, उसको पता ही नहीं है कि आगे पीछे क्या चल रहा है ना, यानी अपने आप को स्वामी मानता है वो। कभी कभी ऐसे भी सोचता है कि मैं श्रील प्रभुपाद जैसे कार्य करूंगा, बड़ा बनूंगा, अपने आप को श्रील प्रभुपाद से कंपेयर करता है या बड़े बड़े आचार्यों के साथ कंपेयर करता है। तो ऐसा व्यक्ति स्वप्न देखता है, निद्रा में रहता है कि मैं करता हूं, लेकिन वो बड़े प्लान तो करता है लेकिन क्या है उसके हिसाब से कार्य नहीं करता, ऐसा व्यक्ति तामसी व्यक्ति है ना। जैसे आप देखें मोटिवेशनल स्पीकर नेटवर्क मार्केटिंग में क्या कहते हैं, वो यहां से लेते हैं, क्या ले आए कि थिंक ग्लोबली वर्क लोकली। पहले थिंक ग्लोबली करना है लेकिन वर्क लोकली करना है। अगर आप थिंक ग्लोबली वर्क ग्लोबली करोगे तो नीचे गिर जाओगे, क्योंकि शुरुआत तो हमें लोकली करनी है, थिंक ग्लोबली वर्क लोकली। श्रील प्रभुपाद ने भी ऐसे ही किया ना, उन्होंने पता था, गुरु महाराज ने उनको बताया कि आपको पूरे दुनिया में वेस्टर्न कंट्री में जाके आपको हरि नाम का प्रचार करना है, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस कहाँ से शुरू की, वृंदावन से, अपने घर से, क्या बैक टू गॉड हेड मैगजीन छाप के घर घर जाते थे बांटने के लिए, दिल्ली जाते थे सुबह से लेकर शाम तक, ये उम्र में बुढ़ापे में कार्य करते थे। तो उन्होंने थिंकिंग उनकी ग्लोबली थी लेकिन स्टार्टिंग क्या किया, वर्क लोकली। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, थिंक ग्लोबली वर्क ग्लोबली, तो हमारा फॉल डाउन हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, तामसी व्यक्ति होता है, ठीक है। ऐसा धैर्य कैसा है, तामसी धैर्य। तो आइए इसका हम थोड़ा तात्पर्य पढ़ेंगे और फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर आपका कोई भी प्रश्न है
तो अभी रख सकते हैं, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर को शेयर करें, ये 18वां अध्याय समझना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए मैं डिटेल में थोड़ा समझा रहा हूं। हरी बोल। इसका यह अर्थ नहीं निकलना चाहिए कि जो सतोगुणी मनुष्य है वो स्वप्न नहीं देखता। यहां पर स्वप्न का अर्थ निद्रा है। देखिए श्रील प्रभुपाद भी बताएं, स्वप्न सदा आता है, चाहे वो सात्विक हो, राजसी हो, तामसी हो। स्वप्न तो प्राकृतिक घटना है, लेकिन जो अपने को अधिक सोने से नहीं बचा पाते, जो भौतिक वस्तुओं को भोगने में गर्व में नहीं बचा पाते, वे सदैव इस संसार पर प्रभुत्व जताने का स्वप्न देखते रहते हैं ना। प्रभुत्व जताते हैं ना कि मैं श्रील प्रभुपाद जैसा बनूंगा, मैं भी प्रभुत्व जताऊंगा, मैं भी 10,000 शिष्य बनाऊंगा, ये प्रभुत्व जताने की भावना है। तो ऐसा क्या है? तामसी है, जिनके प्राण मन इंद्रिया इस प्रकार लिप्त रहती है, वह तामसी धृति वाले कहते हैं। उनकी क्या, उनका धैर्य क्या है? तामसी है, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा? कर्ता, कर्म, ये तीन प्रकार के देखे। उसके बाद हमने देखा धैर्य और बुद्धि, ये तीन प्रकार की देखी, ठीक है। सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। हरे कृष्णा। मैं अपने इस वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ, तो कृपया मेरे मुझे कुछ भी गलती हो गई तो मुझे क्षमा करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ये मैं अपने गुरु महाराज और मेरे श्रील प्रभुपाद को प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। कृष्णा।